आईजीएमसी के सफाई, वार्ड अटेंडेंट, सुरक्षाकर्मी, स्टाफ नर्सों, डेटा एंट्री ऑपरेटरों, मेस्को को व हेल्परों, लैब टेक्नीशियनों व अन्य कोविड कर्मियों तथा 10 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से बाहर रखने के मुद्दे पर मजदूर संगठन सीटू के सैकड़ों कार्यकर्ता आईजीएमसी चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय के अंदर धरने पर बैठ गए तथा गांधीगिरी व सत्याग्रह किया। इसके बाद मजदूरों ने 3 घंटे तक आईजीएमसी कमेटी कक्ष के अंदर अधिकारियों का घेराव किया। इस दौरान यूनियन, ठेकेदारों व आईजीएमसी प्रशासन के मध्य बैठक चलती रही। 3 घंटे की बैठक के बाद नौकरी से बाहर किए गए कोविड कर्मियों व सुरक्षा कर्मियों को नौकरी पर वापस लेने पर सहमति बनी। सीटू ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। सीटू ने चेतावनी दी है कि अगर नौकरी से निकाले गए सुरक्षा कर्मियों व कोविड कर्मियों को न्याय न मिला तो आंदोलन उग्र होगा। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व रमाकांत मिश्रा ने आईजीएमसी प्रबंधन से मजदूरों को न्याय देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी से दर्जनों कोविड योद्धाओं को रोजगार से बाहर करना मानवता को शर्मसार करने की घटना है। उन्होंने कहा कि 10 सुरक्षाकर्मियों के नौकरी से बाहर करना देश के कानून का गला घोंटना है। उन्होंने आईजीएमसी में कर्मियों को नौकरी से बाहर करने के खिलाफ आंदोलन तेज करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र लाल, सुरक्षा कर्मी यूनियन अध्यक्ष देवराज बबलू, सफाई कर्मी यूनियन अध्यक्षा निशा व महासचिव सरीना ने कहा कि आईजीएमसी में अंग्रेजों के जमाने के काले कानून आज भी जारी हैं। यहां हायर एंड फायर नीति जारी है व कानून का गला घोंटकर दर्जनों कोविड कर्मियों व 10 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मियों को नौकरी से बाहर करने का निर्णय गैर कानूनी है, इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में सुरक्षा कर्मियों व कोविड कर्मियों की मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। ठेकेदार बदलने पर उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जो कि यूनियन से आईजीएमसी प्रबंधन द्वारा किए गए समझौते व औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(h) का खुला उल्लंघन है। आईजीएमसी प्रबंधन भी नए ठेकेदार के साथ मिलकर श्रम कानूनों की खुली अवहेलना कर रहा है। नेशन न्यूज के लिए शिमला से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। या वार्ड अटेंडेंट से उनकी जो मांगे थी उस पर ये प्रशासन लिपापोती करता रहा। आपको मालूम है 16 तारीख को जब हड़ताल हुई, इतिहास में पहली बार इतिहास में सैकड़ों कर्मचारी जो आईजीएमसी के सफाई के, सिक्योरिटी के, वार्ड अटेंडेंट, ईसीजी, जो मेस के कर्मचारी है, जो लॉन्ड्री के कर्मचारी है, ये सारे के सारे कर्मचारी जो हड़ताल पर उतर गए। और उससे पहले जो आनन फानन में उन्होंने मीटिंग बुलाई, हम कहते हैं 5 महीने से जब मजदूर को निकाला नौकरी से तो आपने तो कभी मीटिंग के लिए नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया और आपने क्यों बातचीत नहीं की, क्यों आपने उनको नौकरी पर वापस नहीं लिया? सिर्फ आप जो है पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और आप जो है उन 4 लोगों को निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ इन्हीं के जहां हम बैठे हैं एमएस के ऑफिस के बाहर, चाहे वो प्रिंसिपल हैं, चाहे वो एमएस हैं, चाहे अधिकारी दूसरे हैं, ये जो इनके दफ्तरों के इर्द गिर्द काम करने वाले लोग हैं, हमने पहले भी कहा था, इनके ऑडियोज हैं हमारे पास, इनके वीडियोज हैं हमारे पास, जिसमें ये शराब पीते हुए नजर आते हैं, जिसमें ये महिलाओं के लिए अभद्रता करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमने इन बातों को भी जब इनके संज्ञान में लाया तो जो तो कर्म ऐसे इनके चहेते हैं, चापलूस हैं, उन पर एक्शन नहीं करेंगे। जिनको एसपी ने सम्मानित किया, डीजीपी ने सम्मानित किया, राज्यपाल ने सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र दिए, जो कोविड वॉरियर थे, जब कोई लाशें यहां से उठा नहीं रहा था, कोई सेवाएं यहां पर नहीं दे रहा था, जो वार्ड अटेंडेंट्स, जो सफाई के कर्मचारी, जो सिक्योरिटी के लोग काम कर रहे थे, उनको जो है ना नौकरी से निकाल दिया, इसलिए आज हम यहां आए हैं। अक्सर जो है जो लेबर ऑफिस के अंदर वार्तालाप होते हैं, चिट्ठियां निकाली जाती हैं, उसमें इनके अधिकारी आएंगे नहीं, आनाकानी करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। लेबर ऑफिस ने भी इंटरव्यून किया था इस सारे मसले पर और आज आप देख रहे हैं कि इतने दिन बीतने के बावजूद 5 महीने में जिनकी नौकरियां गई उनके परिवारों का पालन पोषण कैसे हो रहा होगा, उनके बच्चे की फीस कैसे जाएगी, उनके क्वार्टर का खर्चा कहाँ से निकलेगा, उनके बूढ़े माता पिता जो है उनका खर्चा जो है बीमारी का कैसे निकलेगा, इन सारे प्रश्नों को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। और फिर कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के अधिकारी एक जो है गफलत में हैं, गलत फहमी में हैं, वो बार बार हमें उकसाते हैं और ये ताना देते हैं कि आप अस्पताल के अंदर तो नारे लगा नहीं सकते। उतने बुद्धिमान तो हम भी हैं कि अस्पताल के अंदर क्यों हम नारे लगाएंगे, अस्पताल जो है एक मरीजों की जगह है, वहाँ तो आदमी जो है ठीक होने के लिए आता है। लेकिन उसके पूरी वातावरण जो यहाँ पर बनाई जाती है जिस तरीके से कि जो है कर्मचारियों को तंग करना, उनको नोटिस सर्व करना, उनको धमकियां देना, उनको नौकरियों से निकालने की साजिशें रचना, आईजीएमसी के अंदर हम किसी भी तरीके से चुप रहने वाले नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि इस संदर्भ में हम विधानसभा में भी प्रश्न लेकर आने वाले हैं।
विभिन्न विभिन्न विधायकों के माध्यम से, और दूसरी ओर हम जो है विधानसभा भी कूच करने वाले हैं इस प्रश्न पर। हम सिर्फ जो है यहाँ नहीं आएंगे, हम मुख्यमंत्री को भी बात सुनाएंगे, और मुख्यमंत्री महोदय से हमारा ये उनसे हमारा गुहार है, हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से कि तुरंत इस मसले पर हस्तक्षेप करें, क्योंकि जो ऐसे अधिकारी आईजीएमसी के अंदर बैठे हैं जो इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, कारगुजारियां जिनकी ठीक नहीं है, और मतलब मैं बहुत सारी बातें आपको बता, यहां तो चार सीटें तक लोगों को थमा दी गई हैं, क्या क्या आईजीएमसी के अंदर चला हुआ है, ये सारे मसले जो है इन मसलों को हम उठाएंगे, विधानसभा के बाहर भी उठाएंगे, विधानसभा के अंदर भी विधायकों के माध्यम से उठाएंगे। फिर एक बार कह रहे हैं कि आप जो है जो बातचीत कर रहे हैं, आप टाल मटोल मत करो, लीपा पोती मत करो, आपको हमें न्याय देना। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।